तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप एक्सियो पेलेटर की लिमिट को सच में बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। रियल ट्रिक कौन सी है? आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं आप स्नैप पे से कर सकते हो, मिंत्रा एप्लीकेशन से कर सकते हो, कॉम्प्रोफाई से कर सकते हो, एरोन पे से कर सकते हो, अब आप पे से कर सकते हो। बेसिकली ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जितने भी है, ये एप्लीकेशन विजय माल्या से कम नहीं है। अगर आप इन एप्लीकेशनों से अपने एक्सियो पेलेटर की लिमिट को ट्रांसफर करते हो तो आपको SBI बैंक की तरह घाटा होगा। जैसे विजय माल्या ने SBI बैंक को चूना लगाया था, वैसे ही आपको भी चूना लग सकता है। अच्छा, तो देखो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों पर उतना ही ट्रस्ट करना जितना मैं अपनी एक्स पे करता था। इसे कोई रैम नहीं हुआ लेकिन आप समझने की कोशिश करना। तो एक्सियो पेलेटर की लिमिट को ट्रांसफर करने की रियल ट्रिक कौन सी है, कि आप सच में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो वो एक्सपोज करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक्सियो पेलेटर की लिमिट सच में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। तो मैं हूँ कटप्पा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुमित। फॉर एग्जाम्पल हम YouTube पे सर्च करते हैं एक्सियो पेलेटर टू बैंक अकाउंट, उस पर फर्स्ट पे वीडियो आ जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको प्ले किया एंड इस एप्लीकेशन में स्नैप पे एप्लीकेशन से ट्रांसफर करके दिखा रहे हैं और पूरा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, आधा ही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिंत्रा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है, ये मिंत्रा का प्रोसेस है और ये जो आगे है वो है स्नैप पे एप्लीकेशन का। तो ये पूरा प्रोसेस नहीं है कि फाइनल OTP डाल के ट्रांसफर कर दिया हो, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आधा प्रोसेस बता रहे हैं। तो हम आपको रियल दिखाते हैं। हमारे में स्नैप पे एप्लीकेशन भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एड मिंत्रा एप्लीकेशन भी है यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे उनको भी एक्सपोज करूंगा, क्या सच में हम उन एप्लीकेशनों से अपने किसी भी पेलेटर की लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या नहीं। पहली बात तो देखो, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना और थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों से लिमिट को ट्रांसफर करना, अगर डायरेक्ट ऑप्शन होता है तो इतना कोई डर नहीं रहता कि हमारा पैसा कहीं चला जाएगा। लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों पे आप ज्यादा ट्रस्ट ना करें, उतना ही ट्रस्ट करें जैसे आपने अपने दोस्त को पैसे दे दिए, फिर तो वो मिले ना मिले भूल ही जाओ। तो बेसिकली ट्रिक क्या है इनकी, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना मिंत्रा एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ अगेन, उसके बाद ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर आपको कोई एक प्रोडक्ट को सर्च करना है, सिलेक्ट करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई शूज ले लेता हूँ, शूज आई थिंक थोड़े महंगे आ जाते हैं, तो मैं शूज को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 3,000, 3,300 या फिर 1,600 मान लो हमने ये वाले सिलेक्ट किए 3,300 रुपये के। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड टू बैग करना है, हम यहाँ पे एक बार ऐड टू बैग कर देंगे। साइज आपको जो भी चाहिए, मैं शूज की साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डन कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपका ये ऐड टू बैग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, देन आपका ऐड टू बैग हो जाएगा। आपको ऊपर क्लिक करना है बैग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर इसका नाम तो नहीं है, अंदर होगा नाम तो पता नहीं। अभी यहाँ पर शॉपिंग बैग है ये आपका, इसमें आपका आ जाएगा ऑर्डर। यहाँ पर जो भी आपने पहले ऐड टू बैग किए होंगे वो उन पे भी टैप टिक लगा होगा, तो टोटल प्राइस आपका इतना हो रहा है इसका भी इंक्लूड करके। तो हम इसको अनटिक कर देते हैं, उसके बाद जो भी आपके शूज का प्राइस है वो बचेगा। उसके बाद हमारा ये टिक रहना चाहिए, हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे, वन आइटम सिलेक्टेड है, ठीक है, प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। पहले दो आइटम सिलेक्टेड थे, यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो गया था क्योंकि हमने पहले ऐड टू बैग किया होगा। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला ही ऑप्शन दे दिया है, आई डोंट नो ऐसा क्यों किया इन्होंने, ऐसा ऑप्शन नहीं आना चाहिए था, बट हम देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं अपना OTP डालने के बाद। उसके बाद ये हमारा गलत प्रोसेस हो रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो इसमें ऑप्शन आते थे लेकिन यहाँ पर वो वाले ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आते थे जो कि हम यहाँ पे अपने अपने एक्सियो पेलेटर की लिमिट को कर सके। अभी आप देखोगे वही आ चुके, हमने फिर से किया, वो गलती से एरर से हम उस वाले इंटरफेस पर पहुंच चुके थे। हमें यहाँ पर मूवी क्विक जिप पेलेटर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ पर मूवी क्विक जिप पेलेटर का ऑप्शन ही है लेकिन हम मूवी क्विक के जिप पेलेटर की लिमिट भी यूज नहीं कर सकते। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, वॉलेट है, पे लेटर है एंड MI नेट बैंकिंग, लेकिन अगर हम पे लेटर में जाएंगे तो आपको सिर्फ लेजी पे लेटर मिल जाएगा, ICIC पे लेटर मिल जाएगा। वॉलेट पे क्लिक करते हैं, वॉलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी एक्सियो पे लेटर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो इस वीडियो को देखो, जब इसमें एक्सियो पे लेटर का ऑप्शन नहीं है तो इस प्रोसेस को क्यों बताया गया, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, एक बार सुन लीजिए। मिला लेकिन एक्सियो का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है। और आपको जो लास्ट प्रोसेस बताया गया स्नैप पे वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना स्नैप पे ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यूनिटी पेमेंट पे क्लिक करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप देख लो, आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक्सियो पे लेटर का, वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अभी रेंट पेमेंट में रेंट पेमेंट, रिसीवर में रिसीवर, यही रहने देना। लेकिन यहाँ पर आप टी प्लस वन कर लेना, यहाँ पे टी टू प्लस कर लेना, लेकिन हम टी प्लस वन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आपको वॉलेट टू का ऑप्शन मिलेगा, वॉलेट वन का मिलेगा, लेकिन वॉलेट टू पे क्लिक करना है, जैसा उस वीडियो में प्रोसेस बताया गया। अगेन प्रोसेस पे क्लिक करना है। टोटल चार्जेस, कन्वेंशन फीस सब इंक्लूड होके आपका अमाउंट दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आपको वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वॉलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देख पाओगे यस पे वॉलेट है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कहीं भी एक्सियो पे लेटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आप देखोगे इसमें इतने चार्जेस लगते हैं, कन्वेंशन चार्जेस एंड GST 3 रुपये। इस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करता है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हम अगर आपको वॉलेट वन में दिखाएं, अभी हमने वॉलेट टू चेक कराया था, अभी हम वॉलेट वन पे क्लिक कर लेते हैं। एंड सेम वही प्रोसेड है, हम यहाँ पे प्रोसेड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमें दूसरे वाले इंटरफेस पे ले जाया जाएगा। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, रीडायरेक्टिंग किया जा रहा है। इस वाले में आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, अगेन वॉलेट भी हैं, लेकिन वॉलेट में आपको ज़्यादा कोई खास चीज़ें नहीं मिलेंगी। वही चीज़ें फ़ोनपे, जियो मनी, मोबीक्विक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फलाना ढिमकाना, बस। तो देखो, आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे एक्सियो पे लेटर टू बैंक ट्रांसफ़र, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आप जितना स्क्रॉल करोगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इन भाई साहब की वीडियो तो इतने हैं कि कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, इस टॉपिक के अलावा ये किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना ही नहीं सकते हैं। टैग पे ही नाम से इस चैनल पे वीडियो मिलेंगे, ऐसे ही वाहियात वीडियो मिल रहे हैं जिसमें सिर्फ घटिया प्रोसेस बताया जा रहा है, किसी भी प्रोसेस से आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और ये जितने भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, कॉम्प्रोफाई, अराउंड पे, इजी माई डील, अवा पे, जियो मार्ट, इवन जियो मार्ट से भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, सभी को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। एंड मैजिक पिन को भी बताते हैं, MMR ट्रिप को भी बताते हैं, इन एप्लीकेशनों से ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। तो ये कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है, रियलिटी यही है। अभी आप किसी भी एप्लीकेशन से एक्सियो पे लेटर की लिमिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो आई होप आप रियलिटी जान चुके होंगे, लेकिन अगर आपको मनी की नीड है तो मैं टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन एप्लीकेशनों पे जाके मनी ले सकते हो अगर आपको मनी की नीड है तो, और अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड और अपनी डिमांड पूरी कर सकते हो।